नमस्कार दोस्तों, एक बार और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं वीडियो। जैसा कि आप सभी लोगों के पता है कि सेट मैप की तरफ से एक नई भर्ती 2021 के एंडिंग दिसंबर में आई हुई थी, जिसकी रिक्वायरमेंट होनी थी। तो अभी तक इसकी कोई नोटिस आई नहीं है। तो जैसा कि हम वेबसाइट पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो है तीन ऑप्शन हमको दिखाई दे रहे हैं, एक सेवाएँ का, एक डाउनलोड का, और एक जो है एमपी की जो है सेट मैप की लिंक दी गई है। तो यहाँ पर लिंक में तो वैकेंसी की डिटेल्स बताई गई है, जो कि डिस्ट्रिक्ट वाइज और ब्लॉक वाइज यहाँ पर आपको कंप्यूटर ऑपरेटर की और इंजीनियर की एवं अन्य पोस्ट देखने को मिल जाएगी। ये पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वैकेंसी है कहीं ना कहीं। तो इसका जो है इंटरव्यू होना है अभी, तो इंटरव्यू के लिए कहीं ना कहीं इसके एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। अब बात आती है कि इसके एडमिट कार्ड कब जारी किए जाएंगे। इसके एडमिट कार्ड कहीं ना कहीं आपको जो है जनवरी के बाद ही, क्योंकि जैसा आप डाउनलोड वाले सेशन पे देखते हैं तो यहाँ पर अभी नो डाउनलोड अवेलेबल दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं जनवरी के बाद जो है फरवरी या मार्च में आपको यहाँ पर एक नया ऑप्शन मिल जाएगा, जो कि रहेगा एडमिट कार्ड का। तो वहाँ से आप बहुत ही आसानी से यहाँ से जो है एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अभी डुप्लीकेट रिसिप्ट की लास्ट डेट जो है 30 जनवरी 2022 दिखा रहा है। तो 30 जनवरी के बाद कहीं ना कहीं जो है एडमिट कार्ड जारी किए जाने की बहुत बहुत जो है संभावना नज़र आ रही है। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं कि इंडिया में COVID-19 जो कि कोरोना है, तो इसके केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो इस वजह से कहीं ना कहीं जो है इंटरव्यू में एडमिट कार्ड आने में जो है कहीं ना कहीं और जो है आपको वेट करना पड़ सकता है। थोड़ी यहाँ पर देरी 1 या 2 महीने की आपको देखने को मिल सकता है। इसीलिए यह कहा जा सकता है कि फरवरी के एंडिंग में या मार्च के लगभग शुरुआत में कहीं ना कहीं इसके इंटरव्यू लिए जा सकते हैं। मित्रों, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।